क्या अत्याचार हुआ? और पुलिस वाले भी सुन ले, अपनी वर्दी की इज्जत करें, हमारा भी समय आएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। कुर्रई के लोग समझ ले, आपके पीछे कुर्रई के लोग समझ ले, आपके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी है, आपके पीछे कमलनाथ है। और जो ये सब पुलिस का अत्याचार, पुलिस ने तो पुलिस की वर्दी पहनी है पर जेब में भाजपा का फूल रखा हुआ है। ये कहीं भी होए, रैली होए, मध्य प्रदेश का कोई भाग होए, कान खोल के सुन ले। मैं तो कहता हूं, आपने शपथ ली है, अपनी वर्दी का सम्मान करें, अपने वर्दी के लिए इज्जत करें। राजनीति के शिकार मत बनिएगा, समय इनका आने वाला है और समय आप लाएंगे। देखा आपने, दरअसल कजलीवल मैदान सागर में संत रविदास जयंती के मौके पर पहुंचे थे कमलनाथ कार्यक्रम में। यहां पर जो रविदास, संत रविदास के अनुयायी संत हैं, उनका सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भरे मन से कमलनाथ ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे दी। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने यह भी कहा, सुना आपने, कि वर्दी तो पुलिस की पहन रखी है लेकिन जेब में कमल का फूल रखकर घूम रहे हैं पुलिस वाले। कमलनाथ ने ऐसा क्यों कहा सागर पहुंचकर, खासतौर से यह भी आपको यहां बता दूं, कमलनाथ दरअसल खुरई में हुई घटना का जवाब दे रहे थे पुलिस प्रशासन को। खुरई में बीते कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, कुछ समय पहले एक घटना हुई थी जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। सागर चूंकि स्मार्ट सिटी कहा जाता है, उसमें आता है स्मार्ट सिटी में, तो स्मार्ट सिटी को माफिया सिटी भी कहा कमलनाथ ने। इसके अलावा कमलनाथ ने एक बड़ा मुद्दा भी उठा दिया, सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी कमलनाथ ने इसी मंच से उठाई। दरअसल सागर पहुंचे कमलनाथ का एक बार जो ये फॉर्म नजर आया है, जिस तरीके से अग्रेशन में नजर आए हैं, जिसे हम कहते हैं कमलनाथ, उसी तरीके से तेज तर्रार अंदाज में नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस दौर में सवाल उठाए थे कि पुलिस प्रशासन ने गलत किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, यही वजह है कमलनाथ ने जवाब दिया भरे मन से और यह भी कह दिया कि समय हमारा आएगा, सरकार हमारी आएगी।